68 साल 70 साल का मुख्यमंत्री बन के हरियाणा चला सकता है, एक वाहन 10 साल पुराना क्यों नहीं चल सकता? फिर एक बड़ा आंदोलन लड़ने का ऐलान किया जाएगा, वो 2 दिन का सम्मेलन होगा हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ में। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। पुराने पेट्रोल दे वाहन है जेडे वो बंद करने जा रहे हैं, अजय बंद नहीं किया लेकिन उसते एक सिस्टम चालू करता है, उसके खिलाफ भी जेड़ा अगे आने वाले मोर्चे दे विच साडी गल रख के उससे अंदोलन लड़िया जाऊगा कोई भी, क्योंकि एक किसान का ट्रैक्टर है चाहे कोई चीज़ है जिन्ना चेर वो फिट है। अगर खट्टर 68 साल 70 साल का मुख्यमंत्री बन के हरियाणा चला सकता है तो एक वाहन 10 साल पुराना क्यों नहीं चल सकता? इस करके उस विषय पर भी चर्चा हुई है, उससे भी रखा जाऊगा। हुण सारे पत्रकार साथियों को बेनती है भी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, डल्लेवाल जी मन्नू जी साढ़े अध्यक्ष जी जो आज फैसले लिए गए हैं इसमें हरियाणा पंजाब और राजस्थान के SKM गैर राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया। और सबसे पहला फैसला ये लिया गया कि कई महीनों से पंजाब के जीरा में जो शराब फैक्ट्री के खिलाफ जो धरना चल रहा है और वहाँ पे कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया, तो 9 जनवरी को SKM ए राजनीति के बैनर तले हजारों की संख्या में हरियाणा पंजाब राजस्थान के किसान वहाँ जाएंगे और जो धरना चल रहा है उसको मजबूती देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के लिए भी है और पंजाब के लिए भी, कहीं भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के नाम पे, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के नाम पे किसानों की ज़मीनों की लूट की जा रही है। 2013 में हमारे देश में कानून बना था जमीन अधिग्रहण का, भूमि अधिग्रहण का, जिसमें किसानों के हक में कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें एक ये भी था कि भाई किसानों को ज़मीन का कलेक्टरेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जो बहुफसलीय ज़मीन है जिस ज़मीन में एक से ज़्यादा फसल होती है साल में उसको अधिग्रहण ना हो इसकी प्राथमिकता रहेगी अधिग्रहण करते समय। लेकिन जब से 2014 से BJP की सरकार आई है ये तमाम नियम कानून ताक पे रखते हुए किसानों की ज़मीन लूटने का हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं 1.5 गुना दे रहे हैं, कहीं 2 गुना दे रहे हैं। अभी हरियाणा में सोनीपत में, झज्जर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद पलवल में के जो रेलवे कॉरिडोर निकाला जा रहा है वहाँ भी किसानों की ज़मीन की लूट की जा रही है। तो आज इस मुद्दे पे भी हमने गंभीरता से चर्चा की, क्योंकि SKM ए राजनीतिक का मानना है कि जब किसानों की ज़मीन बचेगी तभी MSP का उनको फ़ायदा होगा, तभी फसल के मुआवजे का फ़ायदा होगा। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में राजस्थान के हनुमानगढ़ में पूरे देश के सभी संगठनों की बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी SKM ए राजनीतिक के बैनर तले, और वहाँ से फिर एक बड़ा आंदोलन लड़ने का ऐलान किया जाएगा। वो 2 दिन का सम्मेलन होगा हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हमारी मीटिंग भी होगी उस सम्मेलन में और हनुमानगढ़ में एक बहुत बड़ी पंचायत भी होगी और वहाँ से हम आगामी आंदोलन का ऐलान करेंगे। SKM की अज मीटिंग हुई है इतने पंजाब ते हरियाणा चैप्टर की, अज इनू SKM ने अडोप्ट कर लिया इस मोर्चे कि SKM लड़ेगा, इन सहयोग करेगा जिस तरह की भी लोड़ चलेगी। सब तो पहले तो गल है रेगूलर तो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है और उस कंटिन्यू दे विच पंजाब चैप्टर है जिहड़ा SKM दा गैर राजनीतिक SKM दा वो लगातार उहदे विच पार्टिसिपेट कर रहा है, लगातार उहदे विच ट्रालियां तंबू साढ़े जिस तरह सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से सी वो लगे हुए ने उहदे चल रहे और उहदे विच कोई मतलब ये नहीं है भी एक दिन असीं हथ ला के मुड़े आउंगे तो वापस आ जाएंगे। मोर्चे का लगातार उहदे विच मतलब कि उहनां दे सिर ते हथ, क्योंकि जिहड़ी उत्थे कमेटी बनी हुई है वो कमेटी केस नूं उस सारे दे सारे नूं हैंडल कर रही है, असीं उस कमेटी दे बैक ते खड़े हाँ, उस कमेटी नूं हर तरह की असीं सपोर्ट देंगे, किसी तरह की उन्होंने धक्केशाही असीं बर्दाश्त नहीं करांगे और उन्होंने धक्केशाही होण भी नहीं देवांगे, असीं इस परपज लई चले हुए हैं और ये असीं आपका पूरा करांगे। और अगली एक मैं तुहानूं इंपोर्टेंट गल तुहाडे चैनल के माध्यम तों मैं दस्सदा, उहदे च बड़ी वड्डी गल है जिस वेले कोई फैक्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री लगती है, उस वेले एक पब्लिक हीयरिंग होया करती है, उस इलाके के लोगों को पूछा जाता है कि भी तुसी इस फैक्ट्री दे नाल एग्री हो, तो जिन्नी पब्लिक हीयरिंग है वो सारी की सारी फेक है। फैक्ट्री लग रही है जीरा एरिए दे विच ते पब्लिक हीयरिंग दे विच जिहड़े जिहड़े आदमियों के नाम है वो सारे के सारे फरीदकोट एरिए दे लोग है, क्योंकि उस वेले फरीदकोट एरिए दे विच फैक्ट्री का मालिक दीप मल्होत्रा इत्थे MLA सी
हूँ उस इलाके दे विचों आपदे पंचा सरपंचा नूं नाल लैके उन्हां दे नां ते फार्म भर के वह बनाया हुआ यानी उहदे बड़ा बड़ा धोखा किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट एसकेएम नूं क्यों लैणा पिया है क्योंकि वह लोग बेचारे पिट रहे हैं कि पब्लिक हीयरिंग की गल नूं साडे नूं चक्को जी। अगर सरकार सीरीयसली हाई कोर्ट के विच इस पक्ष नूं रख दिंदी कि भाई तुसीं एड्डा बड़ा धक्का कर रहे हो लोगों का ये बंदे ने तो मतलब पब्लिक हीयरिंग ही गलत है उसके आधार से सगो इन पनिश करना तो इनू बनता है तो तुम उल्टा सगो सगो मतलब सरकार को पनिश कर रहे हो इन्हों मुआवजा दवा रहे हो साढ़े को 20 करोड़ रुपया तो वो उल्टा सगों उन्होंने लाइसेंस कैंसल होना सी उन्होंने 420 बननी सी वास्ते सरकार पूरी तरह उन्होंने मगर खड़ी है और जो सरकार उन्होंने मगर खड़ी है तो आपके लोगों के मगर अज एसकेएम खड़ा है और लगातार असं उन्नी देर तक लड़ांगे जिनी देर तक उन्होंने इंसाफ नहीं।